रूस में अवैध तरीके से भर्ती किए गए नेपाली युवाओं को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद का बयान सामने आया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि वे सभी को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। रूसी सेना में शामिल हुए नेपाली नागरिकों के घर वालों से बातचीत करते हुए सऊद ने कहा है कि नेपाली युवाओं को अवैध माध्यम से रूस नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगी और उन्हें वापस वतन लेकर आएगी। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही सैकड़ों नेपाली नागरिक रूसी सेना में शामिल हो गए थे। इस युद्ध में मॉस्को की ओर से लड़ते हुए अब तक 12 नेपाली नागरिकों की जान जा चुकी है। सऊद ने कहा, अब तक सरकार को 244 नेपाली नागरिकों के घर वालों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जो रूसी सेना में शामिल हुए हैं, जिनमें लापता लोग भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने लोगों से भ्रम से बचने के लिए रूसी सेना में भर्ती होने वाले नेपाली नागरिकों की संख्या को बड़ा चढ़ाकर न बताने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार रूसी पक्ष के संपर्क में है और रूस से नेपाली नागरिकों की वापसी पर चर्चा कर रही है।